सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई अपडेट में। तो पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। जो आंगनवाड़ी सेविका है और जो सहायिका है उनके लिए ये आज की खास महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको बताते हैं ये दो अपडेट क्या है। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप का एक नया अपडेट 20.3.1 का एक नया अपडेट आया है, जिसमें कि दो अपडेट है और दोनों अपडेट सेविका और सहायिका के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपडेट करने का ऑप्शन मांगेगा। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर पर जाके इसको अपडेट कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये 20 फरवरी 2024 का ये अपडेट दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे 20.3.1 का एक नया अपडेट आ चुका है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इस पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ पे अपडेट पे लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इस पोषण ट्रैकर ऐप का ये जो न्यू अपडेट है इसमें क्या अपडेट आया हुआ है। तो देखिए हमारा यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो अपडेट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एरो पे क्लिक करेंगे तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए क्या अपडेट है यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा गया है AWWH और AWH प्रोफाइल नेम एंड आधार नंबर एडिटेबल इफ़ आधार इज़ नॉट वेरीफाइड, यानी कि जो आप लोगों का आंगनवाड़ी वर्कर का प्रोफाइल है और आंगनवाड़ी हेल्पर का जो प्रोफाइल है उसमें आप नाम आधार नंबर उसको एडिट कर सकते हैं और आधार नंबर आपका वेरीफाइड नहीं है तो उसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है प्रोफाइल फील्ड नेम आधार डेट ऑफ बर्थ आर मेड मैंडेटरी फील्ड्स, यानी कि इसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है। जो आपका प्रोफाइल फील्ड नेम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि स्टार मार्क दे दिया गया है, इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर और वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ये अपडेट क्या है। तो यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लिया है और अपडेट करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो मोर वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट AWS प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पर सहायिका का प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मोबाइल नंबर के नीचे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका का प्रोफाइल अपडेट किया जाता है। वैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, ठीक है। तो अब जो आंगनवाड़ी सेविका बोल रही थी कि हमारा जो आधार में नाम गलत हो गया है और जो डैशबोर्ड पे नाम गलत हो गया है तो उसको हम लोग कैसे सुधारें, तो इसके लिए अब एडिट का ऑप्शन आ चुका है। अब आप लोग आसानी से खुद से ही अपना जो नाम गलत हुआ है उसको आप लोग सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या था कि जो आंगनवाड़ी सेविका का यहाँ पे नाम दिखा रहा था वो यहाँ पे हाइड हो चुका था, यानी कि जो विभाग से आप लोगों का नाम ऐड किया गया था वो यहाँ पे हाइड हो चुका था। आप लोग यहाँ पे एडिट वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद अब आप लोग यहां पे जो भी आपका आधार पे नाम है उसको सही से एडिट करके यहां पे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है। जैसे कि इसके लिए कई आंगनवाड़ी सेविकाएं हमें बोल रही थी कि सर हमारा नाम जो है वो गलत हो गया है और यहां पे इस प्रकार से हम लोग आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। आप लोग यहाँ पे उसको एडिट करके और अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे थे स्टार मार्क जो है कि ये भरना मैंडेटरी कर दिया गया है, तो जहाँ जहाँ पे आप लोग को स्टार मार्क दिखेगा वो फील्ड आप लोगों को भरना बहुत ही ज़रूरी है। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ईमेल आईडी पे देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं दिया है, इसको भरना मैंडेटरी नहीं है, आप भर भी सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है कि हाइड कर दिया गया है, यानी कि मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों को अब आधार वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला अपडेट है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जो आंगनवाड़ी सहायिका है उसका यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अपडेट AWH प्रोफाइल, यानी ये आंगनवाड़ी सहायिका का प्रोफाइल अपडेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो हमने प्रोफाइल खोला है वो आंगनवाड़ी सहायिका का प्रोफाइल है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आप लोगों को देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे जो है कि ये आंगनवाड़ी सहायिका है, इनका आधार वेरीफाइड कर दिया गया है। अगर आपका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी नाम एडिट करना हो आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है और स्टार मार्क का जो भी फील्ड है उसको भरना ज़रूरी है। यहाँ पर ईमेल आईडी देना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लोग डालिए, उसके बाद आपने कितना पढ़ाई किया है वो डालिएगा और यहाँ पे आके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का जो प्रोफाइल अपडेट है वो आप लोगों को कर लेना है। तो इस प्रकार से थी आपके लिए आज की ये दो महत्वपूर्ण अपडेट, दोनों अपडेट आप लोगों को हमने बता दिया है।
तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।